कैसे पढ़ा पाता हूँ. सो नमस्कारम अगेन एंड टुडे इज़ अ वेरी नाइस डे. आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों, ना क्या आए हो लग रहा है आज. हाँ ठीक है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स कि एग्जाम में सक्सेस कैसे चाहना है ना. आपको सक्सेस चाहिए ना, सबको. एवरीबडी वॉन्ट सक्सेस. यस, कुछ लोग कन्फ्यूज है. एवरीबडी वॉन्ट सक्सेस इन एग्जाम. एटलीस्ट सक्सेस इन एग्जाम इज इक्वल टू सक्सेस इन लाइफ. एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओगे तो एक दिन लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाओगे, और एग्जाम में ही फेल होना चालू हो गया तो शायद लाइफ और चैलेंजिंग चली जाएगी. ऐसा नहीं कि एग्जाम में फेल होने से लाइफ नहीं बनती, लेकिन डिफिकल्ट हो जाती है. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस गेम एग्जाम में. तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रोफेशनल एग्जाम्स आप लिखने जा रहे हो या बोर्ड एग्जाम आप लिखने जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है स्पीड. क्या होती है? स्पीड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब स्पीड मतलब आप बोलोगे हाँ हाँ सर मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैंने लिखा कि इधर राइटिंग स्पीड, वो भी एक ज़रूरी स्पीड है. सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड होती है स्पीड, स्पीड ऑफ थिंकिंग. जिस स्पीड से आप सोचते हो ना, जिस स्पीड से आप डिसीजन लेते हो. तो आपको ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में. हाँ, तो आपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके गए हो और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट आई है जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी है, तो ट्राई करने जाएंगे कि उसको स्किप करके दूसरा वाला देखेंगे जो हमने किया हुआ है, दूसरा वाला. लेकिन ये डिसीजन लेने के लिए जो टाइम खराब कर देता है ना, ये जो डिसीजन कितने मिनट में लेंगे, तो इसमें से कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ फेल होंगे, कुछ टॉपर आएंगे, कुछ बॉटम पे रहेंगे. ये खाली स्पीड से डिफाइन होता है कि जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है वो टॉप पे है. फिर जैसे जैसे स्पीड कम करते जाओ आप, वैसे वैसे परसेंटेज कम होते जाते हैं. समझ में आ रहा है ना आपको? लोवेस्ट स्पीड वाला फिर फेल भी होने वाला है. तो जितना स्पीड है आपके थॉट को, आपके विचारों को, तो विचारों को स्पीड कैसे देते हैं? क्या किया फिर हमने आज? मेडिटेशन. अगर आपको अपने विचारों को स्पीड देनी है, क्लैरिटी लानी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ानी है, तो यू शुड स्टार्ट मेडिटेशन. ये समझ में आ रहा है? तो पहला तो विचारों को क्लैरिटी लाए. सेकेंड, आप कितने स्पीडली रीड करते हो. विनायक सर ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, तो हाउ स्पीडली यू कैन रीड इट, पूरा पैराग्राफ है. तो सबकी स्पीड सेम रहेगी क्या? नहीं. तो किसी की तो टॉप स्पीड होगी, तो कितने स्पीड में आपने रीड किया, दैट इज अनदर क्वालिटी. सबसे पहले तो विचारों की स्पीड, दूसरा रीडिंग स्पीड. अब जितने स्पीड से आप रीड करते हो और अंडरस्टैंड करते हो, तो मैंने बोला आपको भवम भवानी या संसार सारम, तो रीड तो कर लिया. अब कितने स्पीड में आप इन शब्दों को डिकोड करके समझते हो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है. दैट इज स्पीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज स्पीड ऑफ. तो सबसे पहला थिंकिंग स्पीड, स्पीड ऑफ थिंकिंग, देन स्पीड ऑफ रीडिंग, देन स्पीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. अंडरस्टैंड कर लिया मैंने क्या है, अब मुझे इसका सोल्यूशन बनाना है, मुझे चाय बनानी है. आपके मन में विचार आ रहा है क्या कुछ? तो देखो ना, ऐसा क्वेश्चन है, हाउ डू आई मेक टी. आपके मन में कुछ आ रहा है क्या, विचार आ रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? बर्तन लाएंगे पहले, तो हाथ में तो नहीं बना सकते, फिर कढ़ाई में भी नहीं बना सकते, तवे पे नहीं बना सकता. एक पर्टिकुलर टाइप का पॉट आ रहा है, वेरी गुड. नेक्स्ट वाटर लगेगा, मुझे बिना चाय, बिना पानी की चाय पीनी है तो मिल्क लाना पड़ेगा. यस, देन और हाँ शुगर लाना पड़ेगा, और टी पाउडर लाना पड़ेगा, और गैस भी तो चालू करना है. अरे सब डाल दिया, वो गैस फायर, फायर हाँ फायर तो चाहिए ना, सब चालू किया तो बना. आपको समझ में आया प्रोसेस? जितने स्पीड से आप उस चीज़ को इमेजिन कर पाते हो, उतने स्पीड से वो चीज़ बनती है. मैंने क्या बोला, समझ रहे आपको? तो अपने आप को बेस्ट बनते हुए देखने के लिए डिले मत कीजिए. प्लीज़ लुक एट योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल एज सुन एज पॉसिबल. जितने जल्दी अपने विचारों में अपने आप को प्रोफेशनल देखोगे, उतने जल्दी आप प्रोफेशनल बनोगे. एग्जाम देने से कोई प्रोफेशनल नहीं बनता. एग्जाम देने से तो आप एग्जाम पास होते हो. प्रोफेशनल बनने के लिए अंदर से कुछ चीज़ें चेंज होनी पड़ती है, ठीक है ना? तो दैट इज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, कुछ बनाना, ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहला कौन सा स्पीड? स्पीड ऑफ थिंकिंग. कि विचार तो आना चाहिए ना पहले कि प्रोफेशनल बनूं. ये विचार ही तो कितने लोगों के मन में आता है ये विचार. 2000 बच्चे हमारे गडिंग लज में रहेंगे, हार्डली 20 बच्चे हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल में आते हैं. परसेंटेज निकाल लो आप, समझ में आ रहा है? लेस देन 1% है वो. हाँ रहने दे, निकालते रहे, ऐसे रहता है. 10% ऐसे नहीं होता. 2000 का 10% 200 होता है, 1% 20 होता है. हमारे यहाँ पे 10 आते तो 0.5 हो गया, आधा टक्का हो गया. आधा एक टक्का लोग डिसीजन ले पाते हैं कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, शायद
अभी उनको भी नहीं पता कि करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये विचार जिसके मन में आता है, ये बुद्धि जिसको हम बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं स्पीड ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना। विचार आना आते ही कि ना आपके मन में विचार, मरने का है क्या कभी, सुसाइड करने का विचार आते हैं? नहीं, मारने का है? हाँ अभी आ रहा है सर, आप पूछ रहे हो अभी आ रहा है। हाँ कुछ लोगों के नाम याद आ रहे, हाँ इसको उड़ाना था, हाँ ठीक है। तो इसको विचार बोलते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ थिंकिंग। सेकेंड स्पीड ऑफ रीडिंग, देन स्पीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, सॉल्यूशन बनाना है। अब सॉल्यूशन पहले यहाँ बनता है फिर पेपर पे आता है, इजंट इट? यहाँ ही लेट बना तो पेपर पे भी लेट आएगा ना, समझ में आ रहा है आपको? तो आपको पेपर पे लिखना है, तो स्पीड ऑफ राइटिंग, दैट्स अ नेक्स्ट स्पीड, क्लियर है? डिलीवरी देना है, फाइनल डिलीवरी वहाँ पे है। तो इन स्पीड्स को आपको इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करोगे? बता तो दिया क्या करना है, मैं बता रहा हूँ कि भागने की स्पीड बढ़ानी है तो क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। बाइक चलाने आती है सबको? सबको आती है? जिनको नहीं आती वो लोग बहुत स्पीड से बाइक चला पाएंगे क्या? जिनको आती है वो स्पीड से चला पाएंगे क्या? तो जिनको नहीं आती है और जिनको आती है, या जो बहुत स्पीड से बाइक चलाते हैं या स्लो बाइक चलाते हैं, डर डर के चलाते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या किया है जो जो बहुत स्पीड से चलाता है वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, समझ में आ रहा है? तो आपको भी क्या करना है लाइफ में, आगे जाना है तो बताओ ना मुझे, अच्छे से बताओ क्या करना है? प्रैक्टिस करना है ना। अरे आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, क्या अचीव करना है? स्पीड अचीव करनी है। स्पीड कैसे अचीव की जाती है? प्रैक्टिस करके। सिंपल है, इनपुट आउटपुट समझ रहा है? प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, और स्पीड नहीं बढ़ेगी तो जिंदगी आगे नहीं जाएगी। अगर जिंदगी आगे लेके जाना चाहते हो और बहुत तेजी से लेके जाना चाहते हो तो बहुत तेजी से सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उससे जो आउटकम आता है वो आउटकम के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। खाली बैठे बैठे आंसर मेरे दिमाग में है तो बोर्ड वालों को पता चल जाएगा क्या? नहीं, लिखना भी तो है ना, तो डिलीवरी भी तो देनी पड़ेगी, फाइनल एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। सोचने से चाय नहीं बनती, चाय बनाने से चाय बनती है ना। कहीं से निकलोगे तो कहीं तक कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे, निकलोगे ही नहीं तो पहुँचेंगे ही नहीं। तो आप निकल चुके हो आज, आज मंडे है ना, श्रावण का सोमवार है, निकलेंगे अपने अंदर से बाहर जाने के लिए, कुछ बनने के लिए? बोलो एक अच्छा विचार लेके जा सकते हैं क्या जहाँ से? दैट वन डे वी विल बी वेरी सक्सेसफुल, वन डे वी विल बी टॉपर, वन डे वी विल अचीव समथिंग इन आवर लाइफ। कुछ तो अच्छा सोचो ना आज, प्लीज़ आज अच्छा दिन है, और जो भी आप अच्छा सोचोगे तथास्तु। आगे चलो, स्पीड तो है, ऐसा नहीं है कि जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती वो स्पीड नहीं, स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? बाइक को स्पीड देने के लिए क्या करना होता है? खाली एक्सीलेटर तुम भी लगा दो, स्पीड तो आ ही जाएगी, लेकिन फिर क्या होगा? एक्सीडेंट भी होगा। तो स्पीड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी स्पीड इंपॉर्टेंट है। सर बहुत फास्ट फास्ट रीड किया, बहुत स्पीडली रीड किया, बहुत स्पीडली लिखा भी, और पूरा गलत करके आया सर, समझ रहे? टैली किया मैंने लेकिन गलत नंबर पे, तो क्या मिलेगा? जीरो, ठीक है ना। तो स्पीड जैसे ही बढ़ाते हैं तो जो सेकेंड अचीवमेंट हमें करना होता है, सेकेंड अचीवमेंट क्या करना होता है हमें? ए अचीव करना होता है। ए स्टैंड फॉर एक्यूरेसी, स्पीड में रहना है लेकिन एक्यूरेट भी रहना है। कहीं से निकलना है कहीं पहुंचना है, मतलब सही रास्ते पे चलना है। पता चला सर कहीं से निकले थे कहीं पहुंच तो गए, समझ रहा है? कहीं निकले थे कहीं पहुंच, ऐसे नहीं, कहीं से निकलना है और कहीं, गलत डेस्टिनेशन भी तो डेस्टिनेशन होता है ना, गलत रास्ता भी तो रास्ता होता है। इंसान दो तरीके से फेमस होता है, बहुत कुछ अच्छा करके या बहुत बुरा करके। न्यूज़पेपर में तो दोनों के नाम आते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? बहुत अच्छा करना चाहते हो, कुछ लोग बोल नहीं रहे, बोलते ना छोड़ ना अपने को जो देखना देख लेते हैं क्या करने का। ऐसा मत करो, अच्छा करोगे, बोलो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है ना। एक्यूरेसी, तो पेपर लिखेंगे तो स्पीड से लिखेंगे लेकिन गलत गलत लिखेंगे क्या? नहीं। मुझे बताओ स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी कैसी मेंटेन करेंगे? स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी कम होती है। अरे गाड़ी स्लो चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, एक्सीडेंट तो तभी होगा ना जब आप स्पीड बढ़ाओगे। गलत विचार तो, गलत आंसर तो तभी दे सकते हो जब आप बिना सोचे से ये बिना सोचे समझे आंसर देते हो। सोच समझ के अगर आंसर दोगे तो हमेशा या मैक्सिमम टाइम इट विल बी अ राइट आंसर। घाई घड़बड़ी में जो आंसर दोगे वो क्या होगा? गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। MCQs में खास करके होता है, जो हमें पहले लगता है आंसर है वो गलत होता है। मल्टीपल चॉइस में हमें जो लगता है ना कि ये
जो पहले लगता है वो गलत होता है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे थोड़ा सा। तो अगर मैंने मेरी स्पीड कम की तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ती है, और मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी एक्यूरेसी। सीसॉ का गेम खेला है कभी? गार्डन में होता है ना, एक बंदा नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आता है, दूसरा नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है, ऐसा वाला गेम है ये, ठीक है ना। स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो स्पीड। खाना बनाऊंगा मैं, बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा, लेकिन एक दिन ले लूंगा। और माँ कितने मिनट में खाना बना देती है? माँ कितने मिनट में डब्बा बनाती है? 15 मिनट में भी कभी बना देती है। तो उसके पास कैसे आ गया वो टैलेंट, जो करने के लिए मुझे 4 घंटे लगते हैं, वो माँ 15 मिनट में करती है, कैसे? क्या किया उसने? प्रैक्टिस किया, उसको सब पता है। वो बिना देखे वो नमक उठा सकती है और डाल सकती है। आपको वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब पे 3 बार कि कितना नमक डालना चाहिए। उसका जजमेंट है ना, वो जजमेंट से बनाती है। वो आंखें इधर एक काम, इधर दूसरा काम, तीसरा काम चालू रहता है, मल्टीटास्किंग चालू होता है। कैसे कर सकती है मल्टीटास्किंग? प्रैक्टिस। तो आपको एक्यूरेसी भी अचीव करने के लिए करना, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है? स्पीड अचीव करने के लिए भी क्या करना था, और एक्यूरेसी भी अचीव करना है तो क्या करना है? प्रैक्टिस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, जो आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे आप लोगों को स्पीड और एक्यूरेसी की कभी कंप्लेन नहीं आई है। मुझे आप लोगों की कंप्लेन अगर कभी आई भी है, या मैंने देखा भी है, मैंने सोचा भी है, तो यहां से आई है, पी से आई है। पी, पी क्या है? नहीं, प्रेजेंटेशन। यू आर नॉट प्रेजेंटेबल, ठीक है ना, आप अच्छा प्रेजेंट नहीं करते। कुछ स्टूडेंट पेंसिल स्केल पूरा स्टेशनरी यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब लिखा बहुत अच्छा है लेकिन हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, तो उससे क्या होगा? मार्क्स कटेंगे कि नहीं? लाइफ में भी कटेंगे और यहाँ पे भी कटेंगे। मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है, मेरे कपड़े ख़राब है, मेरी लैंग्वेज ख़राब है, मेरे बाल ऐसे यहाँ तक आए हुए हैं, बीच बीच में मुँह में जाते तो निकालना पड़ता है, चाहिए है। तो प्रेजेंटेशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? प्रॉपर शर्ट होना चाहिए, आयर्न्ड होना चाहिए। मतलब पर्सनल लाइफ हो या एग्जाम की लाइफ हो या घर हो, क्या रहना चाहिए हमें? हमेशा प्रेजेंटेबल। शादी के एक दिन मेकअप नहीं करना है, शादी के एक दिन मेकअप करने की क्या जरूरत है? आप रोज जैसे रहते वैसे ही रहो। आपको झूठ की दुनिया में नहीं रहना है, आपको सही की दुनिया में रहना है। आपको सही में प्रेजेंटेबल बनना है, सही में प्रोफेशनल बनना है। आपको प्रोफेशनल बनना है, पास नहीं होना है, खाली पास नहीं होना है। पास हो गए और प्रेजेंटेबल ही नहीं हो, बात करने का ढंग नहीं है, मैनर्स नहीं है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो हमें अल्टीमेटली एग्जाम में, तो अभी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसा इधर उधर से थोड़ा आपको डांट लगानी होती तो यहाँ वहाँ की भी कर लेता हूँ। एग्जाम में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ ना? प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है ना? मार्जिन कितनी छोड़नी है, टेबल कैसे बनाने हैं, पर्टिकुलर रुपीज़ कैसे लिखना है, हैंड राइटिंग प्रॉपर, पॉइंटर फॉर्म, थेरी क्वेश्चन होगा तो प्रॉपर पॉइंट्स, अंडरलाइन टू द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो हर फैकल्टी बताता ना आपको कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है। यू पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, प्लीज़ भीख मांग रहा हूँ, सीरियसली ले लो। किसको? प्रेजेंटेशन। अब ये समझ रहा है गेम कितना डिफिकल्ट हो गया है? अभी 3 बॉल का गेम हो चुका है, अभी ये सीसॉ नहीं, सीसॉ तो फिर भी इजी था, अभी 3 बॉल का गेम हो गया। सर्कस देखा है? एक उड़ाएंगे तो दो हाथ में रहते हैं, फिर ये दो उड़ाएंगे तो एक हाथ में आता है, कभी कभी ये ऐसा खेलते करते तीनों नीचे गिर जाते हैं। तो ये सर्कस वाला तीनों बॉल कैसे खेलता है एकदम आराम से? क्या किया है उसने? आप समझ रहे हो ना, स्पीड बढ़ाओगे तो प्रेजेंटेशन खराब होगा, एक्यूरेसी भी खराब होगी। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करने का ट्राई करेंगे तब तक प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो स्पीड उतर जाएगी, मतलब एक पकड़ने जाओगे तो दूसरे दो छूट जाएंगे, ऐसे है। तो सर ये सीक्रेट बताओ ना, ये तीनों को कैसे पकड़ के रखूं? क्या करना है आपको? करना क्या है? प्रैक्टिस, ठीक है ना। विनायक सर जो बोलते हैं खाली फॉलो किया करो, 100 out of 100 अकाउंट्स में लाके उस बंदे ने इतिहास क्रिएट किया है। उसने नहीं लाए, उसको खुद को नहीं आया कभी, उसका प्रेजेंटेशन देखा ना कितना खराब है। उसका प्रेजेंटेशन नहीं फॉलो करना है, वो जो सिखा रहा है वो फॉलो करना है। यू हैव टू गिव द बेस्ट प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? तो सक्सेस मंत्रा क्या याद रखेंगे? सैप, ठीक है ना। ए स्टैंड्स फॉर स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा विचार करना इंपॉर्टेंट नहीं, सही विचार करना इंपॉर्टेंट है। सही विचार कर लिए, अभी उसके ऊपर काम करना भी तो इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट एग्जीक्यूशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आपके माइंड में बहुत अच्छा आंसर आया, लिखा आपने खराब है, तो प्रेजेंट बिना प्रेजेंटेशन के अच्छा मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छी लाइफ भी आगे नहीं जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? पक्का?
समझ रहे हैं मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या बोला? स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन। और ये तीनों अचीव कैसे करने का? तो जब आप वो क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हो तो स्पीड का आशीर्वाद मिलता है आपको, तथास्तु। वही क्वेश्चन जब आप दो बार सॉल्व करते हो तो एक्यूरेसी का मिलता है, वही क्वेश्चन जब आप तीन बार सॉल्व करते हो तो प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कितनी बार रिवाइज करने का एक क्वेश्चन? पांच बार। दो बोनस, जो तीनों किए हैं, मतलब जो क्वेश्चन पहली बार करने के लिए 40 मिनट लगे थे, सेकेंड टाइम करने के लिए 30 लगने चाहिए, थर्ड टाइम करने के लिए 18 लगने चाहिए, फोर्थ टाइम करने के लिए 15 लगने चाहिए, और फिफ्थ टाइम करने के टाइम पे 12 मिनट में विद बेस्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक क्वेश्चन पांच बार सॉल्व करोगे तो स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन मेंटेन होगा कि नहीं होगा? और फिर लाइफ में हर बार हर क्वेश्चन पांच बार नहीं सॉल्व करना पड़ता है, फिर एक बार आपके हाथ में जब सब कुछ स्पीडी हो जाता है, देन लाइफ में आपके सामने प्रॉब्लम आता है और आप सॉल्व करते हो विद इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, यू टच द बेस्ट विद इन द 12 मिनट्स। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये करना जरूरी है। करेंगे तो मैं आपसे यही चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मिनिमम तीन बार, फिर वो मैथ्स हो, लॉ हो, अकाउंट्स हो, मेरा इको हो, मिनिमम आपको तीन बार पढ़ना है। क्लियर है? बेस्ट बनना है ना, बनेंगे ना? चलो, थैंक यू, नमस्कारम।